रियलिटी शो में जो ना के नाम है डांस संग्राम। आज पूरा हिंदुस्तान में ये भोजपुरिया डांसिंग शो के चर्चा बाटे। कहे कि गांव गली टोला मोहल्ला से आईली प्रतिभा लोग आज सबके दिल में राज कर रहल बा। पूरा हिंदुस्तान ये बात के मान ले बा कि ये भोजपुरिया डांसिंग शो में जोन प्रतिभा गांव से आयल बा वो लोग के जोड़ के हु नहीं खे। तो आई सबे हम आपके यो बता दें कि ई जोन आज इतना तारीफ मिल रहल बा, इतना इस शो आगे बढ़ रहल बा, एकरा पीछे कारण बाटे रउआ लोग के आशीर्वाद प्यार के। और हम चाहता नहीं कि अपन आशीर्वाद प्यार रउआ सबे ऐसा ही बना के रखी और हिम्मत बढ़ावत रही हमारा ये धुरंधर के। बस सीढ़ी बचल बा ओकरा बाद ये लोग के मिल जाई, यही में से कोनो एगो धुरंधर के मिली भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपर स्टार के खिताब। और फैसला करी है ऊ जेकरा उंगली पे नाचेला बॉलीवुड के स्टार होके चाहे सुपरस्टार। जी हाँ, हमारे मंच के महागुरु और हमार बड़की माई और अब बारी बाटे उनकर जोशीले टीम के कप्तान। जी हाँ, जेकरे अदा पे फिदा बा पूरा हिंदुस्तान संभावना सेठ। जोरदार ताली से स्वागत करी सबे उनकर जेकरे रूप का चर्चा गली गली गांव गांव में बा, घर घर में जेकर जादू चलेला। जी हाँ, श्वेता तिवारी जी। पिछला शनिवार के शाम रहे बड़की माई के गीतन के नाम और ओह दिने श्वेता जी के जांबाज में से गौरी चैत्री जी हो गए लहली सुरक्षित और जोशीले टीम से हो गए लहले अविनाश बाबू सुरक्षित। बाकी बचल तीन योद्धा के आज ये मंच पे अपन दावेदारी पेश करे के बाटे। लेकिन जोने धुरंधर के परफॉर्मेंस रही सबसे मजेदार ओकरा के दिहल जाई मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब। ताई ताई देखल जाओ हमनी के पूछल जाओ अपना दोनों कप्तान से कि कैसन तैयारी बा। श्वेता जी, बस मैं यही दुआ करूं कि आज कोई गड़बड़ ना हो और हम जितनी तैयारी के साथ आए हैं वो सारी की सारी तैयारी यहां पर वैसी की वैसी अम्मा को दिखे ताकि उन्हें पूरा का पूरा मार्क्स मिल सके। जी दिनेश, तैयारी तो पूरी की है, अपनी पूरी मेहनत के साथ ये लोग परफॉर्म करेंगे। बाकी तो इन्हीं लोगों पे है, हम लोग पूरी मेहनत पहले कर सकते हैं लेकिन जो आखिरी मोमेंट पे स्टेज पर क्या होता है वो हम भी डिसाइड नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऊपर वाला डिसाइड करता है। तो आज किसकी किस्मत में क्या है आने वाला वक्त बताएगा। ताई सबे चलल जाओ बड़की माई के लगे, बड़की माई गोल लगाता नहीं, जीते रहिए। अब बड़की माई हम यो जानल चाहता नहीं कि आप सबसे पहले केकरा के अनुमति देहल चाहबे संग्राम के शुरुआत करे खातिर। ऐसा करते हैं जो सेफ हैं उन्हीं से शुरू करते हैं। बड़की माई उनकर नामों बता दी जेकरा से शुरुआत कर जाओ। अविनाश, जोरदार ताली से स्वागत जोशीले टीम से अविनाश दुबे। करिया जब बाप सरक सरक
नरिया मटक मटक चले ऐसे छुकरिया सरक सरक जन से चुनरिया लाले लाले ओटवा से लाले लाले ओटवा से परसाए मुस्कान भैया बहुत बहुत पगड़ी बन ले वा। हाँ भैया ये कहाँ वाली पगड़ी है? ये हमके लगा था राजस्थान का पगड़ी है। राजस्थान का पगड़ी है एक बांध के का करत हुआ? एक बांध के तनी एक बार सोच ले रहनी कि गोविंदा जी का एक को गाना नहीं कहले वानी तो तनी गोविंदा जी का स्टाइल करे का कोशिश करी। इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की गोविंदा को, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं सके। वो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं जानती हूँ उनका अच्छा बुरा, लेकिन आज बहुत आपका ऐसा ही ढीला परफॉर्मेंस लगा कि चलो नाच देते हैं कुछ भी। वहाँ आपका दिल नहीं था कोशिश करना और घुसने की। बिल्कुल मैम। अविनाश भैया बड़की माई बता दे ली हाँ, और तू अगर आज सुरक्षित हवा और सुरक्षित रहने के बाद सोचा तारा कि भैया आज कल बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए की जरूरत नहीं है, तो ऐसा मत सोचा। काहे कि जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मज़ेदार, वे बनी है भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपरस्टार, और ओकरे के मिली SSI बाइक। चला तब हमनी के अपना अगला योद्धा के बुलावल जी, और अब हम चाहब के अपन स्थान ग्रहण करा। आज फैसला हो जाए कि चार गो योद्धा हुआ जो पहुंच गई है अंतिम चार में, काहे कि ये चार लोगन के टक्कर देवे खातिर काल 11 गो नया खिलाड़ी आ रहा हूँ। समझला लोग, 11 गो नया खिलाड़ी आवत हूँ तो उन लोग के टक्कर देवे खातिर काल। तो आज जे पहुंची अंतिम चार में वही के टक्कर काल हुई 11 नया खिलाड़ियन से, और अभी तब बाकी बाटे हमनी के आज दूसर की सुरक्षित योद्धा गौरी चैत्री जी के। हमनी के देखल जी इनकर शानदार परफॉर्मेंस, रउआ सब कहीं जाई मत, काहे कि हर सपना जौना में बसेला प्राण, उ हर सपना जौन भरेला उड़ान, उ हर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम। रउआ सब ये बात के अच्छी तरह जान ले बानी कि यह संग्राम में अब अग्नि परीक्षा के दौर शुरू हो गई बा, और हमनी के आ चुकल बाने पहिलका योद्धा जो सुरक्षित रहले हैं अविनाश बाबू। लेकिन अब बारी बाटे हमनी के श्वेता जी के जाबाज में से, ता आई सब जोरदार ताली से स्वागत कर जाओ गौरी चैत्री जी के। अविनाश बाबू के हम बतौनी है तो हम तो हो के बतावल चाहते हैं कि कोनो जरूरी ना है कि ये जो बाइक मिले वाली है वो उन्हीं के मिल जाए या कोनो लड़के जीते, कि तुह जीत सकेलू और चला भी सकेलू। कहें ऐसा ही बाइक जो है वो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, किक मरले के जरूरत है ना, खाली दबावा चालू हो जाए डर लेके भाग जा। जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार, वह बनी है भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपरस्टार, और ओकरे के दिहल जाए SSI के तरफ से एगो शानदार बाइक। अब आप तनी जानल जाओ कि वो बाइक लेवे लायक तू काम कहले हो कि ना। गौरी, इट वाज नॉट अप टू द मार्क, अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस, इसमें बहुत कुछ और आ सकता था, लेकिन क्योंकि आप लोग सेफ हो जाते हैं तो आप लोग सब ढीले पड़ जाते हैं, वो मेहनत दिखती नहीं है। मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज़ का। पहली बात तो मेरी ये खुल गई थी, लेकिन मैंने बहुत इसको, मेरे को एक्सक्यूज नहीं पसंद, सॉरी मैम, क्योंकि ये हो गया, क्योंकि वो हो गया, क्योंकि ऐसा हुआ, ये सब मत सुनाओ जी, आगे से पूरे ध्यान रखूंगी। तुम यहाँ आई हो जीतने के लिए, मरो या जियो कुछ मैं नहीं देखती,
तुम काम क्या करते वो दिखाओ बस। जी ठीक है। तुम्हारा हमारा रिश्ता यहाँ इतना ही है। हर बार मजेदार वाली बात याद रहे और भले सुरक्षित हो जा लेकिन कोशिश करा कि हर बार मजेदार परफॉर्मेंस हो के। तब हम बुलाई अपना अगला योद्धा के और हम चाहब कि आप अपन स्थान ग्रहण करा। एक बात हम और बता दे चाहता नहीं कि काल है संग्राम में 11 गो नया योद्धा और आ रहा हुए। जोना योद्धा में से 4 गो योद्धा के दोनों टीम में बांट दे जाई। जोना में से कुछ योद्धा लोग के चेहरा हुए पुराना बाजोन रुआ सबे मंच पे देख चुकल है और कुछ लोग नया बाटे। ताई सबे तनी जानल जाओ कि एकरा बारे में कप्तान लोग के का राय बा। संभावना जी 11 गो नया खिलाड़ी काल आ रहा हुए मंच पे। रुआ का कहल चाह वो लोग के बारे में? बहुत एक्साइटेड हूँ कि कुछ पुराने लोग भी हमारे वापस आएंगे। कुछ श्वेता की टीम से आएंगे, कुछ मेरी टीम से आएंगे। मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन आ रहा है, बट होप करती हूँ कि जिनको मैं चाह रही हूँ वो आएँ। और वाकई मैं बहुत खुश हूँ कि इन लोगों की वापसी होगी इस मंच पर। जो एक बहुत ही छोटी शायद मिस्टेक के कारण जिनको बाहर होना पड़ा, उनका इस मंच में वापस आना भी बहुत ज़रूरी है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। उनके लिए तो पहला एपिसोड होगा, लेकिन हम बहुत आगे आ चुके हैं। अगर उन्होंने पहले एपिसोड की तरह शुरुआत की तो शायद वो बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। तो उन्हें शुरुआत वहीं से करना पड़ेगा, एक से नहीं बल्कि 100 से शुरुआत करना पड़ेगा ताकि वो 1000 तक पहुंच सके। तो मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। मैं अपनी तरफ से उन्हें बेस्ट विशेस दे सकती हूँ बस। अगर उन लोग सब प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनका फ़र्ज है जो गलतियाँ इन लोगों ने की हैं वो ना करें। जो जो चीज़ की एडवाइस देते हैं, मतलब उनको पहले से आगाह कर देते हैं कि ये काम मत करना और ऐसा करना वैसा करना, उन चीज़ों का अगर उन लोग ध्यान रखेंगे तो उन लोग जल्दी आउट नहीं होंगे। आज के घमासान भी बांटल गई बात दो चरण में। पहल का चरण सोलो राउंड और दूसर का रही डुएट राउंड। और पहल का चरण के नंबर तो हम बड़की माई से पूछ के बता देब, लेकिन दूसर का चरण के नंबर बताइब आखिर में। तो आई आज के घमासान के शुरुआत कर जाओ और सबसे पहले चलल जाओ संभावना जी के लगे। जोशीले टीम से किकरा के भेज रहल बाड़ी संभावना जी? सबसे पहले आज मैं भेजना चाहूँगी झारखंड रांची से आई मेरी प्यारी कोमल। संभावना जी के प्यारी कोमल के जोरदार ताली से स्वागत करी सभी। कोमल युद्ध कठिन हो गई बा और अंतिम 4 में पहुंचे के ये आखिरी मौका है। कैसन तैयारी बा तुहार? सर तैयारी तो अच्छी की है, अब कोशिश भी पूरा है कि अंतिम 4 में आऊंगी सर और आके दिखाऊंगी। मैम वादा। हमनी के भी चाहता नहीं जा कि तू अंतिम 4 में आवा और पूरा हिंदुस्तान इनके आशीर्वाद देव कि अपने मकसद में इनके कामयाबी मिलो। आई सबे देखल जाओ कोमल के तैयारी। कोमल 23 एपिसोड से मंच पे तू अपन दावेदारी साबित कैले हो और ए मंच पे बनल हो। आज मौका बाटे अंतिम 4 में पहुँचे के और एगो गलती एगो छोट सा चूक भी तो के ए मंच से जाए पे मजबूर कर सकेले। ये परफॉर्मेंस देले के बाद कैसन का तोहरे मन में चला था? सर मुझे लगता है मैंने जहाँ तक अच्छा किया सर। ताबा पूछल जाओ श्वेता जी से। श्वेता जी कोमल जब आप उस शीट के नीचे थे, जब वहाँ नीचे आप परफॉर्म कर रहे थे और जब ये गाना शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि कुछ माइंड ब्लोइंग सा आने वाला है, कुछ नया होने वाला है स्टेज पे, लेकिन इतना कुछ खास बहुत हट के कुछ नहीं हुआ। फिर से वही बोलूँगी कि आप बीट कंप्लीट नहीं करती हैं, आप अपने स्टेप्स कंप्लीट नहीं करती हैं। जो आपने पिछली बार कह दिया आपका स्टाइल है, बट द स्टाइल इज़ रॉन्ग कोमल, यू हैव टू कम्प्लीट। बैठ के जो आपने नी खोला था कम्प्लीट नहीं किया, ये वाले जो किए वो आपने कम्प्लीट नहीं किया, 3 हिप वाला था वो आपने कम्प्लीट नहीं किया। आप कम्प्लीट नहीं करते हो, दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम यू हैव, ओनली वन प्रॉब्लम यू हैव इज़ दैट यू डू नॉट कम्प्लीट योर मूवमेंट्स। बाकी यू आर सच अ फैबुलस डांसर, बट ये प्रॉब्लम आप पता नहीं सुधार क्यों नहीं रहे हो। आज एलिमिनेशन राउंड है तो मैं अपनी बातों पे मैं ज़्यादा किसी पे भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप वाकई आज मास्टर जी से पूछें, बिकॉज़ हमारी किसी भी बात का जो कि हमें लगता है कि हो सकता है ये ठीक हो और वो ठीक नहीं हो तो वो उन पे भारी पड़ सकता है।
तो आई थिंक वी शुड आस्क मास्टर जी की क्या सही है और क्या गलत है। क्या है, फ्यूजन एक अलग चीज है। आपने बिल्कुल इंडियन को छुआ नहीं, सिर्फ हाथों से मुरली बता दी, उसको फ्यूजन नहीं बोलते हैं। फ्यूजन ये है कि तुम इक्वली दोनों चीज़ को इस्तेमाल करो। मैम मैंने फ्यूजन नहीं, मैम मैंने जो निग्रोस करते हैं ना वो ऐसे वैसे होके वो मैंने किया था मैम। शायद मुझे नहीं मालूम मैम, मैंने निग्रो स्टाइल किया था। शायद मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो वो फ्यूजन ही है, क्योंकि हम उनकी ज़ात को लेके अपनी ज़ात के साथ मिला रहे हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी मिला रहे हैं, तो वो फ्यूजन ही हुआ ना। वो चाहे निग्रो का हो या यूके का हो या यूएस का हो, यू अंडरस्टैंड। आपने अपने इंडियन को नहीं छुआ। मैम मैंने इंडियन बिल्कुल नहीं करा मैम, मुझे पता है, मैं मुझे ये रखना चाहिए था, लेकिन ये वो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि वो स्टाइल ही नहीं था मैम। नहीं मैम मैंने वो फ्यूजन नहीं करा, मैंने निग्रो स्टाइल करा, इसलिए मैंने वो नहीं रखा। तो ये निग्रो स्टाइल पक्का है? यस मैम। गारंटी? यस मैम। अच्छा, ओके, ट्राई एंड कंप्लीट योर मूवमेंट्स। यस मैम। ओके, और पहिलका चरण के इतोहार पहिलका प्रस्तुति रहला, तो हमनी के यो जानल जाई कि बड़की माई तोहरा के कितना नंबर देली है। 36 out of 40। 36 नंबर मिलल हतो के 40 में, और अब हम चाहब के अपन स्थान जाने। जीवन के संघर्ष दुर्ग के उहे तोड़ेला, जे हर हाल में जीत के जुनून और उम्मीद रखेला। अब ये मंच पे टिकल इतना आसान नहीं खे, काहे कि ये मंच पे जितना प्रतिभागी बचल हुए, हर प्रतिभागी धुरंधर हुए, योद्धा हुए, महारथी हुए, कहल जा सकेला कि डांस के महारथी हुए। काहे कि वो हर सपना जो ना में बसेला प्राण, वो हर सपना जोन भरेला उड़ान, वो हर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम। और अब आवे वाला जोन योद्धा हुआ, श्वेता जी के जाबाज में से बस एक योद्धा बचल हुए, रांची झारखंड के दीपू बाबू। दीपू भैया जी भी। 23 एपिसोड तक के मंच पे अपन दावेदारी कायम रखले हुआ, और आज अगर एक चूक हो गई, लेगो छोट सा भी गलती हो गई, तो ये मंच छोड़े के पड़ जाई। का चला था तोहरा मन में दिनेश भैया? आज बहुत डर लगा था दिनेश भैया। डर लगा था, लेकिन बड़की माई कहले हैं कि डरल जरूरी है, जब डर के करेला तब्बे तू लोग बढ़िया करेला। भैया हमेशा की तरह बस इस बार भी कुछ अलग करने की कोशिश है, लेकिन मैं कुछ करने कुछ बोलने से पहले आज सरोज मैम का पैर छूकर आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आशीर्वाद का बहुत जरूरत है मुझे मैम। जा लेला भैया। भैया बोला भैया का हाल बा? अब ठीक बा भैया, सब ठीक बा। पहले बड़ा डर लगा, अब का लगा था? जो भी किया था प्रैक्टिस उसी तो कमी हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों सेटिस्फाई नहीं हूँ। चला तू पूरा मेहनत कैला, और हमनी के चलल जाओ सबसे पहले संभावना जी के लगे। दीपू, कोई खास चीज थी इस एक्ट में कि आपने पट्टी बांध के किया, मतलब कोई रीजन था, कोई नई चीज बताना चाह रहे थे इसलिए किया, या इस एक्ट में ऐसी कोई बात थी कि ये पट्टी लगा कर करना जरूरी था? मैम मुझे कुछ लोगों ने बोला, दीपू जो तू आँख खोल के कर सकता है, इसमें क्या खूबी है कि तू पट्टी लगा कर रहा है? मैम मैं उनको यही बोला कि यही तो मेरा चैलेंज है मैम, जो इंसान आँख खोल करके कर सकता है तो मैं आँख बंद करके भी कर सकता हूँ। पट्टी ने तुम्हें ना थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है परफॉर्मेंस पे, तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारे एफर्ट्स बहुत अच्छे दिखे स्टेज पे, और तुम्हारा अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन रहा। दिनेश जी, पहले तो मैं एक बात बता दूं, शायद यहाँ पे कुछ लोगों को पता नहीं कि पट्टी बांध कर डांस करना, पट्टी लगा कर ब्लाइंड फोल्ड अपने आप में एक डांस है, एक डांस फॉर्म है, क्योंकि पट्टी लगाने के बाद सेंटर मेंटेन करना, सामने आना, चक्कर लेके करना, इनका जो वो धुनी वाला जो ये डांस है, ये बंगाल का एक डांस है, उसमें धुनी डाल के करते हैं ये, बिना पट्टी के बहुत अच्छा करते हैं, पर पट्टी लगाते ही ना वो
कई बार वो मुंह पे आ जाता था, तो मुझे डर था कि जब वो वहाँ पर आग का वो चिंगारी रखेगा तो मुंह पे ना गिर जाए। सबने बोला कि पट्टी मत बांध, तू अच्छा कर रहा है, सेंटर में ही नहीं आएगा। तो बोलता है मुझे करना ही यही फॉर्म है, मुझे यही करना है, मैं यही करना चाहता हूँ और मैं पट्टी बांधूंगा, जो भी हो जाए मैं पट्टी बांध के करना चाहता हूँ, बिकॉज ये मैं ये फॉर्म करना चाहता हूँ, ब्लाइंड फोल्ड फॉर्म करना चाहता हूँ। आपने भी देखा आई थिंक, अब अम्मा कहेगी जो कहेगी, बस आई थिंक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू मैम। नहीं ये सही है, ये एक फॉर्म आता है डांस का, लोग मन्नत के खातिर भी करते हैं, ब्लाइंड फोल्ड डांस करते हैं, जो ख़तरनाक चीज़ें होती हैं वो करना चाहते हैं। वैसा दीपू ने बहुत अच्छा नाचा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। दोन बारी आपने बहुत अच्छा नाचा है, लाइट हार्टेड, डोंट वरी। थैंक यू मैम। ओके, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। पूछल जा बड़की माई से, वो करीबी बात भी की नंबर कितना मिला ला दीपू बाबू के। फुल 40। 40 में 40। और अब बड़की माई जब दे देली तोरा के 40 में 40, तो हम एगो चीज याद आ गई हमके, कराल बी कराल गाल लख के महाकाल का, महिपाल भूप कांप उठे लाल लाल नैन से, प्रचंडिनी अखंडिनी के पास लाए अश्विनी, तेजस्विनी को दे दिए तुरंत भूप चैन से, मुष्टिका को खींच भींच देगी दाई बागडोर, उड़ चलेगी आसमां को अश्विनी कुबैन से, बाई बागडोर जोर शोर से धरा की ओर, वार खाए खाए घुड़सवार को कुबैन से। हौसला के बढ़ोले रखा, अपने मन में सपना के सजौले रखा, जिंदगी तो इम्तिहान लेबे करे ले हो भैया, लेकिन आशा के दीप के जलौले रखा। तो आवा हमनी के चलल जाओ आज संभावना जी जोशीले टीम के आतमजीत बाबू के तैयारी कैसन बा आज। थोड़ा सा आतमजीत पे भी आज प्रेशर है कि जब आप सबके फेवरेट हो जाते हो तो सबसे पहला प्रेशर आप पे आता है कि हमें अपने आप को अब प्रूव करके दिखाना है कि अगर मैं फेवरेट हूँ तो किसी कारण से हूँ। तो आज वो प्रूव करने के लिए, मैं भी जानती हूँ कि आतमजीत को काफ़ी टेंशन है, बट आई एम श्योर इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और ये बताने में सबको कि वाकई ये मास्टर जी का फेवरेट क्यों है, ये सफल रहेगा। जोरदार ताली से स्वागत करें सब आतमजीत बाबू के। अब तक तो तुहूँ के पता चलिए गई लोही कि आज ये मंच पे जोन कठिन युद्ध चल रहा बा, इनमें अगर छोट सा भी गलती हो गई तो आज ही मंच के छोड़े के पड़ी, वो इतना दूर तक अला के बाद। अगर आज मैं एलिमिनेट होता हूँ तो मुझे ये खुशी है कि मैंने यहाँ तक पहुँच के कुछ खोया नहीं है, बहुत कुछ पाया है। अब यहाँ से आगे बढ़ने की इच्छा तो सभी की है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस मैं ऐसी दूंगा आज कि लगेगा कि हाँ, आज अगर कोई भी गाज ऊपर गिरता है तो उसको तोड़ने की कोशिश करूंगा और आज सेफ हो जाऊं। आज चक्रव्यूह के तोड़ल इतना आसान नहीं है, लेकिन एकरा के तोड़े खातिर के तैयार हुए आतमजीत बाबू। और अब हम चाहब कि आतमजीत बाबू अपन तैयारी दिखा दा। इंसान के कंधों पे इंसान जा रहा था, कफन में लिपटा हुआ फरमान जा रहा था, मिली थी मोहब्बत में उसे बेवफाई, वफा की तलाश में शमशान जा रहा था। श्वेता जी कैसा लगा रहा आपके? आतमजीत मैं बहुत बदनाम हूँ गलतियाँ ढूंढने के लिए, अम्मा हमेशा बोलती हैं, लेकिन एक दो जो गलती हुई मैं सच में उसे नज़रअंदाज करके मैं आपकी खूबी बताना चाहती हूँ। आज बहुत दिल कर रहा है आपका स्विप स्कूप, वो जो आप थोड़े स्लांट होके जो टर्न करते हैं, दैट इज नीचे नीचे से उठते हुए जो टर्न जो करते हैं, इतना फैबुलस होता है। मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह आप करते हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। थैंक यू। इट वाज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम। एंड फ्लॉलेस Flawless whip scoop जो आप करते हैं, it was very nice. Thank you. जो इसने ये तड़प दिखाई है ना, वाकई हम लोग तड़प गए हैं। Thank you. और मैं बताना चाहूंगी, पता नहीं किसी ने नोटिस किया नहीं किया, मैंने मास्टर जी की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू देखे हैं अभी।
अब मास्टर जी बाकी चीज़ें बताएंगी. आई लव योर परफॉर्मेंस आत्मजीत, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मैं अपने आंसू रोक नहीं सकी. थैंक यू. और ये आंसू पोंछ कर मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ. जिसने मुझे दे दे मिट्टी का शीशे का वेरी गुड. थैंक यू. सरदार न माने हार, हार के आगे जीत और जीत के आगे आत्मजीत. तोरे घर परिवार में क्या क्या है भैया? मेरे मम्मी पापा हैं और मेरी एक छोटी बहन है, बस हम चार लोग हैं. मत बोलो तुम्हारे पास एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन भी है. थैंक यू मैम. अब बारी बाटे आत्मजीत भैया नंबर के. तू अपन मेहनत तो दिखा देला और सबसे बड़ दौलत सबसे बड़ थाती तो के मिल गई, लेकिन आज ए नंबर के खेल में जाने के पड़ी कि नंबर कितना मिलल है. बड़की माई कितना नंबर मिलल है आत्मजीत बाबू के? 40 तो देना ही पड़ता है, बगैर पूछे भी देना पड़ता है, लेकिन 40 के साथ ए भी मिला है. 40 टूटते हैं हौसले, टूटते हैं हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते. ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी रोशनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते. बड़की माई से आज जे सबसे ढेर नंबर पाई उहे अंतिम लक्ष्य के तरफ कदम बढ़ाई. सोलो परफॉर्मेंस के बाद अब बारी आ गई बा डुएट राउंड के. तो कहल जाला कि अकेले नाचल तो आसान है, लेकिन जब अपना पार्टनर के साथ तालमेल दिखावे के पड़ेला तबे पता चलेला कि ई डांसर कितना गुणी हमें और कितना इनके अंदर तालमेल बैठावे के क्षमता बाटे. हमनी के देखल जाए कि के बनी परफेक्ट पार्टनर जोड़ी. काहे कि उ हर सपना जौना में बसेला प्राण, उ हर सपना जौन भरेला उड़ान, उ हर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम. आज टॉप फोर में पहुंचे खातिर के बवाल मचल हो भैया लोग. आज एकदम योद्धा लोग पूरा तैयारी में हुए. पिछला एपिसोड में बड़की माई के दिहल नंबर के अनुसार दोनों टीम से एक एक योद्धा हो गई लहने सुरक्षित. दूसरका चरण डुएट राउंड में अब हम बुलावे जातानी संभावना जी के जोशीले टीम से, कोमल बबनू के और उनकर साथ दिए उन्हीं के टीम के सुरक्षित योद्धा जेके यहाँ से जाए के खतरा नहीं खे, बाबा गोरखनाथ के धरती के सपूत अविनाश दुबे. बस भैया ठीक बने. ठीक है ना? तो ही क्यों उठा ले लिया. पूरे परफॉर्मेंस का बेस्ट पार्ट लगा जब कोमल ने उसे गोद में उठा के भाग गई. मैं ऐसे मान ही नहीं रहा था. उठा के लेकर गई. इट वाज वो सच में इतना इतना लाइट है कि तुम उठाकर उसे ले गई? ये तुम इतनी बिल्कुल मजबूत 40-60? नहीं मैम, उसने रिहर्सल में कई बार ट्राई किया था और फिर एट लास्ट उसने स्टेज पे उठाई लिया. रैप चेक इट लुक्ड वेरी नाइस परफॉर्मेंस अविनाश. बिग क्लैप फॉर हिम. अमेजिंग. तू हमसे बढ़िया कहला साचो में. अब हमनी के चल जाओ संभावना जी के लगे. संभावना जी, मैं अविनाश के परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि कोमल की इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कोमल पटाखा परफॉर्मेंस. मतलब जो पहला तुमने किया उसके बाद ये 1000 times बेटर था तुम्हारे पहले परफॉर्मेंस से. पर संभावना, चाहे तुम अविनाश के लिए बोलो या ना बोलो, चिद भी तुम्हारी है, पट भी तुम्हारा है. जी जी बिल्कुल मासी जी. आई मीन मैम, लेकिन अविनाश नहीं होता तो मेरा एक्ट पूरा कैसे होता? इसको भगाओ ना. तुम क्या चिपक रही हो? क्या हो रही है? मैम बहन है मेरी. ठीक है. बहुत नेचुरल और बहुत अच्छा. थैंक यू मैम. वेरी नाइस.
ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बनावटी कर रहा है, कन्विंसिंग था कि सचमुच वो भाग रहा है, ये पीछे पड़ी है। थैंक यू मैम, वेरी नाइस। और आखिरी में उठा के ले गए ले। देखो भैया, जब ले गाना आप ना करें तब ले तो मजा ना आई। तो ये गाना हमसे बात बोला अविनाश। हम चाहब कि श्वेता मैम और संभावना मैम भी आ जाएं स्टेज पर। अरे सुपर दिनेश, बहुत फ्लेयर है तुम्हारे में, नो वंडर आप सुपरस्टार हैं। ये जब भी गाना जब ये प्ले हुआ और जब यहाँ डांस हो रहा था तो मुझे लग रहा था मैं कबाब में हड्डी हूँ। एक्चुअली ये गाना तो संभावना और इसके ऊपर फिल्माया जाना चाहिए, क्योंकि डे वन से ये इनके बीच में सेम ऐसा ही कुछ चल रहा है। एक्चुअली भागते रहते हैं और वो शादी कर रहे हैं। शादी करने के लिए मास्टर जी, ये तो सिर्फ ऑन स्टेज की बात है कि ये भाग रहे हैं, अब क्या बताएं। ओहो बड़की माई, हमके तो डर ही लगा था दिनेश, अब मैं नहीं बोल पाऊंगी। बड़की माई, हमके ही डर लगा था कि अब अहिं लेते ही हाँ हाँ कहत रही, हम भागत रही हैं, लेकिन आज इनकर योद्धा लोग जो दिखैले हम, कहियो नहीं मत इन उठा के न ले जाए। अभी मैं बोलने वाली थी, क्या है उठा लो और लेके जाओ। का कर ले का तो हमसे उठा, हमके उठा पैबू, हम उठवा लेंगे तुम्हें। शो खत्म होते होते हम समझा था ही, पहले दूध दूध पी के दम बनावा फिर हमके उठैया। चला ठीक बाब, हमनी के बुलाओ जी अपना अगला जोड़ी के, और अब हम चाहब कि तू लोग अपन स्थान ग्रहण करा। बहुत बहुत धन्यवाद। बवाल पे बवाल मच रहल बा, मस्ती और धमाल हो रहल बा, लेकिन यही बीच में हम अपने योद्धा लोग के याद दियावल चाहते हैं कि भैया लोग तोहन लोग के चुनौती देवे खातिर, तू लोग से टक्कर लेवे खातिर 11 गो योद्धा तैयार हुए। अविनाश बाबू, कोमल, दीपू, सब लोगों का औकात तो यहीं पता चलता है, तो देखते हैं क्या होता है। गुरु माँ सामने बैठी हुई है। मैं तो चाहूँगी कि सभी अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि हम लोग पहले से ये चीज़ सुधारते सुधारते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो शायद वो भी अच्छा करेंगे तो हमारे साथ वो भी टक्कर देंगे। भैया हम तो बड़ा खुश बानी, कहें से कि हमके तो कंपटीशन में मज़े नहीं आवता, तो हम चाहब कि और कड़ा कंपटीशन हो और आगे ऐसे नहीं ऐसा चीज़ हम दिखाई कि वो लोग उल्टा पाँव लौट जाइए। लड़ने का मज़ा तब आता है लड़ने वाला जब काबिल हो। तो अविनाश बाबू के कहना हम बा कि वो लोग आई हैं और ऐसा टक्कर देव कि जैसे आई हैं वैसे ही वापस जाए के पड़ी। तो अब हम बुलाएब अपनी अगली जोड़ी के, जौन श्वेता जी के जाबाज टीम से हई और जौना में दीपू बाबू के साथ दी हैं, उन्हीं के टीम का सुरक्षित योद्धा गौरी चैत्री। भावना जी कैसा लगा ले इनका ये अंदाज आपके? परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा था, आपने जो भी एक्ट था उसको बराबर से निभाया है, वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था, जितना उन्होंने करना था किया, लग रहा था कि मैं फिल्म देख रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। संग्राम लड़े के बाटे और संग्राम के विजेता बने के है, तो हर बार देवे के परी मज़ेदार परफॉर्मेंस, यानी कि अगर डुएट राउंड भी रही तो वह में तोहके धमाकेदार एकदम नाच के और दिखावे के पड़ी। ठीक बा, तो अब हम चाहब कि अपन स्थान ग्रहण करा लो। सात गो परफॉर्मेंस हो गइल बा, बचल बा मात्र आखिरी परफॉर्मेंस, जौना के बाद पता चल जाए कि कौन योद्धा बन गइल आज मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे। और हमनी के आज यो पता चल जाए कि के बड़की माई के दिल जीते में होगल नाकामयाब और वो एह मंच के छोड़ के चल जाए। हमनी के जानल जाई, देखल जाई, रउआ सब कहीं जाई मत, कहे कि उ हर सपना जौना में बसेला प्राण, उ हर सपना जौन भरेला उड़ान, उ हर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है तान संग्राम। सात गो परफॉर्मेंस हो गइल बा, बचल बा मात्र एगो आखिरी योद्धा के परफॉर्मेंस, लेकिन ई डुएट राउंड और एकरा में करे के पड़ी जोड़ी बना के अपन प्रदर्शन।
तो उत्सुकता तो हमार बढ़ले बार रउओ लोग के बढ़ गई लोही हमनी के बुलावल जाओ जोशीले टीम से आतमजीत बाबू के। अब भैया सबसे पहले पूछल जाओ हमनी के श्वेता जी से। आतमजीत मेरे ख्याल से थोड़ी नजाकत और आ सकती है बट आपका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक था कि आपका थॉट टू थिंक टू दैट पॉइंट कि यहाँ पे मैं गे करता हूँ इटसेल्फ इज अ यूनिक थॉट। थैंक यू। ये जो किया कितना परफेक्ट किया आतमजीत कहीं तुम नहीं ना नहीं धन्यवाद मास्टर जी से बात करते हैं। वेरी गुड। थैंक यू। बिकॉज मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे उन लोग जब बात करते तो मैं भी स्टडी करती हूँ उनको किस तरह से बात करते। मुझसे अच्छा एक्चुअली अविनाश करता है गे का एक्ट। तुम्हारा मतलब है कि अविनाश भी नहीं नहीं एक्चुअली इसी ने मुझे थोड़ा बहुत बताया हवा लगा लगा तो के। हाँ अच्छा वेरी गुड। थैंक यू। तब बारी आ गई बाटे आखिरी परफॉर्मेंस के बाद कि हमनी जानल जाओ के कितना नंबर मिलल है और एकरा खातिर के हमनी के बुलावल जा अपना धुरंधर लोग के और अब हम चाहब कि सब धुरंधर लोग मंच पे आ जाए। नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे अच्छा नहीं। अच्छा तो अब हम चाहता नहीं कि सब धुरंधर लोग मंच पे आ जाए। तीनों योद्धा के दोनों चरण के परफॉर्मेंस हो गई बा और अब हमनी के बारी आ गई नंबर जाने के। तो जाने से पहले हमनी के बड़की माई से ही पूछल जाओ। बड़की माई यस आज के संग्राम में जी कौन जोड़ी बाटे जोन बनल है परफेक्ट पार्टनर जोड़ी। कोमल एंड अविनाश। कोमल और अविनाश दुबे आज बन गए हैं परफेक्ट पार्टनर जोड़ी और अब हम बड़की माई के यहाँ जाई और दोनों चरण के नंबर बड़की माई तू तीनों योद्धा के दे चुकल हैं तो ओकरा के लिए आईब और वो जोड़ के पता चली कि आज कौन योद्धा बा जे पीछे रह गल जेकर नंबर सबसे कम हो गल और जेकर सफर आज यहाँ रुक जाई। तो तू लोग तैयार हो जाने खातिर के। कोमल तैयार। दीपू इस एपिसोड से ही तीनों धुरंधरे मंच पे अपन दावेदारी पेश करके और साबित करके टिकल रहले हैं। आज कोनो एगो धुरंधर यहां से ए मंच के छोड़ के चल जाई काहे कि ये मंच के रीत बा कि एक एक करके धुरंधर यहां से जइहें और जे आखिरी में बच जाई यानी जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार उहे बनी ये भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपरस्टार। अब हम बतावे चलत आनी नंबर। तो सबसे पहले कोमल तोहरा के पहला चरण में बड़की माई दहली है 36 नंबर। दीपू बाबू तोहरा के मिलल है पहलका चरण में बड़की माई के झोली से 40 में 40 नंबर। और आतमजीत बाबू आज आप बड़की माई के दिल पहलके चरण में जीत लेला है और बड़की माई आपके दहले रली है 40 प्लस ए। और अब बारी बाटे दूसरका चरण के डुएट राउंड के जौना में फैसला हुई कि तीनों धुरंधर के दोनों चरण के नंबर जोड़ के पड़ गल पीछे और के यहां से जाए के पड़ी। सबसे पहले आतमजीत बाबू आपके दूसरका चरण में यानी डुएट राउंड में बड़की माई की ओर से मिलल है 39 नंबर। कुल मिला के तुहार नंबर भइल है 79। बड़ी बाटे ओ धुरंधर के जेकरा के आज में मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब ओ धुरंधर हमें आतमजीत बाबू। किताब के जे सबसे ज्यादा बार जीती जे ढेर बार जीती वही के मिली तरफ से बम्पर इनाम।
और अब जौन दूगो धुरंधर माछलवाणे इस मंच पे आज के संग्राम में श्वेता जी के जांबाज और बिस्क फार्म बिस्किट जोशीले टीम से कोमल, रांची झारखंड के ही ये दोनों धुरंधर हमें ताई। अब देखा जाओ कि ये दोनों धुरंधर में से के कितना नंबर दिहलिए बड़की माई दूसर का चरण में। दूसर का चरण में दीपू बाबू तोहरा के मिलल है बड़की माई की तरफ से 39 नंबर। कोमल के दूसर का राउंड में बड़की माई दहली है 40 नंबर। जब दोनों चरण के नंबर जोड़ल जाए तो दीपू तोहार नंबर भइल है 79 और कोमल के नंबर भइल है 76। दीपू तो आज ए मंच पे सुरक्षित हवा और हम चाहब कि अपन स्थान ग्रहण करें। कोमल 23 एपिसोड बहुत लंबा सफर रहे, बहुत बहादुरी से और बहुत हिम्मत से बहुत जुनून से ए मंच पे तू अपन दावेदारी साबित कैलू हर बार, यहाँ तक कि जौन तुहार सफर रहल आव तनियो कर एक झलक देखल जा। आपने हम लोगों को लूट लिया, यू हैव टेकन फुल मार्क्स। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। You are a born dancer. Beautiful expressions, fantastic. कोमल जब भी स्टेज पर आती है फाड़ के जाती है फॉर श्योर। इतना सेक्सी परफॉर्मेंस किया तुमने। आज सचमुच मुझे हेलेन याद आ गई। हमको तो हमारी कोमलिया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सेक्सी लगी और उसके आगे हम बहुत ही कटीली सी नचनिया लग रही थी हमें। सर एक चीज अच्छा था, शुरुआत भी मैंने 40 से किया था और अंत भी 40 से हो रहा है सर। सर ये चीज अच्छा है सर। और सर बुरा सबसे ज्यादा लग रहा है अविनाश के लिए सर, मेरा भाई गौरी दी दीपू संभावना दी, आई एम सॉरी। कोमल तू भले आज यहाँ से जेबू लेकिन संभावना जी से श्वेता जी से ए धुरंधर लोग से तुहार कनेक्शन ना टूटी, काहे कि हमनी के साथ जुड़ल रहे खातिर के मोबाइल के तरफ से बड़की माई तोहरा के वो मोबाइल दे रहे बड़ी। हम चाहब कि तू बड़की माई के हाथ से ये आशीर्वाद जरूर स्वीकार कर। रउआ सबे काल का एपिसोड देखल मत भुलाई, काहे कि काल 11 गो नया योद्धा अवतारे हमनी के बाचल योद्धा के चुनौती देवे खातिर के। और जाते जाते हम बस इतने कहब कि वृक्ष कहे पात से सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की यही रीत है एक आवत और एक जात। और हम चाहब कि रउआ लोग ऐसे ही एक कार्यक्रम से जुड़ल रही, एक बार हम फिर से आई रउआ लोग के सामने ये कार्यक्रम लेके। तब तक खातिर के दिनेश लाल यादव निरहुआ के सादर प्रणाम।